हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और जैसा कि आपको पता है, मेरी ये जो सीरीज़ चल रही है इसका नाम है एक्सेल इज़ ईजी। और इस सीरीज़ में अभी तक हम लोग चार या पांच वीडियो कंटिन्यू लगभग पांच वीडियो कर चुके हैं और ये सिक्स इस सीरीज़ के सिक्स्थ वीडियो है। और इसमें मैंने आपको कवर करा दिया है एक्सेल में। मैंने बताया था सबसे पहले दिन तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन से शुरुआत की थी और इंट्रोडक्शन में बताया था कितने रो एंड कितने कॉलम्स होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद में डे वन में हमने देखा था कि कैसे डेटा को फील करना है और किस तरह से उसमें फॉर्मेटिंग सप्लाई करनी है, लाइक कलर कैसे चेंज करना है और किस तरह से लिखने का स्टाइल चेंज करना है, ये सारी चीज़ें मैंने डे वन में बताई थी। डे टू में आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था और ये बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको समझा रखा था। फिर यहाँ पर डे थ्री में जब हम गए थे तो डे थ्री में मैंने आपको एक इसमें लॉजिक बताया था फ़िल्टर का। यहाँ से मैंने आपको फॉर्मेट एज टेबल सबसे पहले समझाया था, फिर उसके बाद फ़िल्टर करना बताया था कि किस तरह से आप डेटा को फ़िल्टर करके चेक कर सकते हो, एक ही प्रकार के डेटा प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने कुछ इसमें फॉर्मूला भी बनाया था। तो अगर आपने ये सारी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। एंड देन लास्ट वीडियो यानी कि जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा रखा था ऑटो सम, ऑटो एवरेज, काउंट, मैक्स और मीन के बारे में। तो ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। आपको दोस्तों इतना ही करना है, इससे ज़्यादा या इससे कम आपको नहीं करना है। मैंने जितना भी आपको बताया है उसे आप बार बार करिए, रिवाइज़ करिए, तो इससे आपका क्या होगा कि एक धीरे 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 बेस बिल्डअप होगा और बेस बिल्डअप होने के बाद आप एक्सेल को आसानी से समझ पाएंगे। और आपके मन में जो ये चलता है कि एक्सेल बहुत वास्ट है, उसको हम लोग एकदम सिंपली तरीके से सीखते जाएंगे और हर एक ऑप्शन को बारीकी से समझेंगे, कब कहाँ किस ऑप्शन का यूज़ करना है ये भी जानेंगे। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का हम डे फाइव करते हैं। डे फाइव करने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा था कि आप एक एक्सेल का फाइल बना लेना और फाइल के अंदर सीट ले लेकर उनका नाम चेंज करते जाना। तो यहाँ पर डे फोर तक तो मैंने कर लिया है, यहाँ पर आपको सीट लेना है, सीट पे राइट क्लिक करना है एंड देन रीनेम कर देना है। रीनेम यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डे फाइव। ओके, तो डे फाइव नाम से हमने इसको रीनेम कर दिया है और इस सीट पर हम लोग कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ ऑटो सम, ऑटो एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन ये बता दिया है। फील के बारे में भी मैंने कुछ आपको बताई थी जानकारी, क्लियर के बारे में भी बताया था। ओके, शॉर्ट एंड फिल्टर में अभी आपको केवल फ़िल्टर बताया गया है कि फ़िल्टर कैसे करते हैं, ये डे थ्री वाले में था आई थिंक, जो हाँ डे थ्री में है तो यहाँ पर मैंने बताया। उसके बाद फाइंड वगैरह है, ये शॉर्ट क्या होता है, कस्टम शॉर्ट क्या होता है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। ओके, यहाँ से अभी फॉर्मेट में हमने कुछ नहीं जाना है, फॉर्मेट से आप बस एक रीनेम शीट जान सकते हैं और इसके अलावा आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। कोई नहीं, हम इसे भी चेक कर लेंगे। इंसर्ट एंड डिलीट, इसका भी प्रयोग हम लोग करना जानेंगे। तो हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ चुके हैं, फॉर्मेट एज टेबल पढ़ चुके हैं, सेल स्टाइल हमने देख लिया है एक बार कि सेल का स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये होम टैब के लगभग सभी ऑप्शन अभी तक क्लियर है। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर है जिनका प्रयोग मैं आपको बाद में समझा दूँगा कि क्या होता है। तो अभी जैसे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से फॉलो करते चलना है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये ऑप्शन छूट रहा है या फिर इस ऑप्शन का क्या काम होता है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उन ऑप्शंस को समझाने वाला हूँ। ओके, क्लियर। लास्ट वीडियो में मैंने शायद आपको मर्ज एंड सेंटर भी पढ़ाया है, तो आप उसको भी ध्यान देना। चलो, तो अब यहाँ से हमें देखना है आज इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शंस को, हालांकि हम सबको नहीं देखेंगे, इसमें से कुछ को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको डेटा की ज़रूरत होगी। डेटा तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल शीट के अंदर। तो एक्सेल में डेटा बनाने के लिए सबसे पहले आज मैं यहाँ पे आपको ना पाइवोट टेबल पढ़ाने वाला हूँ। तो पाइवोट टेबल के लिए सबसे पहले भी हम एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं। और डेटा किस प्रकार से बनाना है, जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिखा सिटी, सिटी के बाद मैंने यहाँ पर नाम लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद फिर लिखा मैंने उस प्रोडक्ट की प्राइस कि उस प्रोडक्ट का रेट क्या है, उस प्रोडक्ट के रेट के बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी का यूज़ किया कि कितना क्वांटिटी आप इन्हें सामान लिया, और फिर क्वांटिटी के बाद टोटल को मेज़र करना है।
तो इस तरह से एक छोटा सा टेबल हम यहाँ पर यूज़ करके और जानेंगे कि पाइवोट टेबल काम कैसे करता है। चलिए तो ये चीज़ तो हो गई। अब इसके बाद में फॉर्मेटिंग आपको मैंने बता दिया है पहले ही वीडियो में कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे लगभग 50 डेटा हमें चाहिए, तो मैंने 51 तक लिया ताकि एक इसमें हेडिंग भी इंक्लूड हो जाए। ओके, इसके बाद में यहाँ से बॉर्डर देते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन में सबसे लास्ट में होता है मोर बॉर्डर्स। अभी मोर बॉर्डर्स में जाने के बाद आपको कलर पे जाना है, ऑटोमेटिक पे जाकर, और यहाँ से आपको कलर चूज़ करना है। लाइक मैंने रेड लिया और फिर इन बॉर्डर्स पे क्लिक करना है आपको। ये बॉर्डर सभी रेड हो जाने चाहिए, तो सारे बॉर्डर्स रेड हो चुके हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बॉर्डर है वो रेड हो चुका है। क्लियर। चलो तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पे सिटी लिया है, फिर प्रोडक्ट लिया है, प्राइस एंड क्वांटिटी लिया है। हेडिंग को थोड़ा सा हम इसमें कलरफुल बनाएंगे, यानी कि हेडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। और हेडिंग को डिफरेंट करने के लिए इसके अंदर यहाँ से हेडिंग कलर डाल सकते हैं हम। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ को हल्का सा बड़ा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर डेली डेली अप्लाई करते हैं ना, तो आपको भी इन चीज़ों की समझ हो जाएगी। इनको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डेली इन चीज़ों को इस्तेमाल करो अपने टेबल में। तो देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सा हमने टेबल का फॉर्मेट डिज़ाइन कर लिया। अब इसके अंदर डेटा फिल करते हैं। देखो, डेटा फिल करने के लिए ना आज मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ, उन टेक्निक्स को आप ज़रूर फॉलो करना। तो ये टेक्निक्स क्या है, जैसे मैंने कुछ सिटीज़ के नाम लिखे हैं। मैंने पटना लिख लिया एक, पटना के बाद मैंने एक अपने सिटी छपरा का नाम ले लिया, उसके बाद मैंने हाजीपुर भी ले लिया है और एक सिवान को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये चार सिटीज़ हो गई। ओके, अब इन चारों सिटीज़ को आपको क्या करना है कि सेलेक्ट कर लेना है केवल सिटीज़ को, एंड देन इसको ड्रैग कर देना है वहाँ तक जहाँ तक आपने टेबल को बनाया है। तो ये सिटीज़ क्या हुई, रिपीट हो गई। क्लियर, यानी कि जो चार सिटीज़ थी वो ड्रैग हुई तो रिपीट होते चली गई। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट में हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे लैपटॉप ले लिया हमने, फिर माउस ले लिया, उसके बाद में कीबोर्ड ले लेते हैं, उसके बाद कीबोर्ड के बाद हमने फिर से यहाँ से एक और चीज़ ले लेते हैं, कुछ लाइक लैपटॉप माउस कीबोर्ड सीपीयू ले लेते हैं, उसके बाद में एक और डिवाइस ले लेते हैं रैम ले लेते हैं, रैम ले लिया, एंड एक हार्ड डिस्क भी ले लेते हैं, हार्ड डिस्क। तो कितने टोटल हो गए, 2, 4 एंड 6। तो टोटल 6 प्रोडक्ट हमने बनाए और सिटी कितने बनाए हैं, 4। आप ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितनी सिटीज़ आपने बनाई हैं उतने ही प्रोडक्ट अगर आप बना के ड्रैग करते हो तो एक सिटी में एक ही प्रोडक्ट बार बार आएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसको ड्रैग कर लिया। क्लियर, देन यहाँ पर प्राइस की बारी है। तो प्राइस के लिए भाई आपको सोचना पड़ेगा कि क्योंकि आपको 50 जगह एंट्री करनी है, तो प्राइस के लिए आप क्या प्राइस डालोगे। तो इसके लिए मैंने जो लास्ट क्लास में फार्मूला बताया है उसी फार्मूले को फिर से यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ़, ये फार्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा, और यहाँ से इस सेल पे क्लिक किया। अभी इस सेल का एड्रेस ले चुका है B2। ओके, तो इस सेल पे हमने क्लिक किया, तो इसका एड्रेस क्या है, B2। कैसे, B और इधर से 2। तो हमने लिखा कि यदि B2 इज़ इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में हम दे देते हैं लैपटॉप, अगर B2 में लैपटॉप हो तो देन, इसको बोलते हैं देन। तब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाइक लैपटॉप के लिए हमने 35,000 क्राइटेरिया सेट कर दिया, तो एक प्रोडक्ट का हो गया। सेम यही चीज़ आप फिर से दूसरे प्रोडक्ट के लिए लिख दो, कॉमा देकर सेम यही चीज़ लिख दो। इक्वल टू बार बार नहीं लगाते, इक्वल टू शुरू में ही लगाते केवल। इफ़ अगेन B2 पे क्लिक करिए और फिर यहाँ लिखिए दूसरा प्रोडक्ट, जैसे लैपटॉप तो का 35,000 हमने लिख लिया है, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, माउस। ध्यान रहे कि इन्वर्टेड कॉमा अगर आपने खोला है तो उसे बंद भी करना पड़ेगा और तब कॉमा दीजिए, यानी इन्वर्टेड कॉमा पहले खोलकर फिर बंद करके तब कॉमा देना होता है। देन आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये चीज़ सही हो गई तो क्या होना चाहिए। तो माउस का हमने यहाँ पर 350 रख दिया कॉमा, फिर कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को। B2
इज इक्वल टू, यहाँ पर माउस के बाद क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड इन्वर्टेड कॉमा बंद, तो कीबोर्ड का हमने 450 कर दिया। ओके उसके बाद में फिर से एक बार दोहरा दिया, कीबोर्ड के बाद CPU। आप ध्यान रखना कि अगर आपने जिस तरीके से लिखा है सेम वही लिखना, ठीक है। अगर आपने स्पेस वगैरह कहीं दे रखा है, जैसे CPU के बाद में स्पेस दिया है, तो आपको यहाँ भी फॉर्मूले में भी स्पेस देना होगा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्पेस ना ही दे तो ज़्यादा बेटर है। ओके तो CPU हो गया यहाँ पे। अगर B2 में CPU हो तो CPU का हमने जो क्राइटेरिया सेट किया वो 25,000 का सेट कर दिया। उसके बाद में हमने फिर से एक बार लिया, क्योंकि 6 प्रोडक्ट है ना हमारे पास, तो हमने CPU तक कर लिया, अभी रैम है। तो फिर से क्या करेंगे, B2 इज़ इक्वल टू कैपिटल RAM इन्वर्टेड कॉमा 1। तो रैम का जो प्राइस है वो कर दिया 750 कर देते हैं। उसके बाद कॉमा देकर एक और लास्ट बचा है आई थिंक हार्ड डिस्क। तो फिर यहाँ B2 इक्वल टू हार्ड स्पेस DISK डिस्क, जैसे आपने लिखा है वैसे ही आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आप कुछ और लिख रहे हो और यहाँ पर कुछ और लिखा है। कैपिटल स्मॉल स्पेस वगैरह आपको सब ध्यान रखना होगा। हालांकि कैपिटल स्मॉल से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पेस का आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया। और इतना होने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि हमारा ये हार्ड डिस्क हो गया, सॉरी हार्ड डिस्क का प्राइस हम फिट करने वाले हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क का प्राइस हो गया 4500। तो कुछ इस प्रकार से हमने अपने मर्जी से प्राइस रख लिया है। देन लास्ट में दो बार इन्वर्टेड कॉमा देना है। इसका मतलब होता है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो क्या करना चाहिए। अब देखो 6 बार आपने इफ लगाया है ना, तो 6 बार आपको ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। ब्रैकेट बंद करने का एक और सिंपल मेथड ये है कि आप ब्रैकेट को तब तक बंद करिए जब तक ब्लैक कलर का ब्रैकेट ना आ जाए, यानी लास्ट जो ब्रैकेट होता है वो उसका कलर ब्लैक होता है। बाकी का कलर आप देखेंगे कि अलग अलग है, लेकिन लास्ट वाले का कलर जो होता है ब्लैक होता है। तो इससे भी आपको गिनना नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अगर ब्रैकेट आप बंद करना भूल जाते हैं तब क्या होता है, तो एक्सेल खुद से ब्रैकेट बंद कर लेता है। एक आपके सामने वार्निंग मैसेज आता है जिस पर पूछा जाता है कि आपने ब्रैकेट्स को बंद नहीं किया है, क्या इन ब्रैकेट्स को बंद करना है, आप यस कर देना, तो भी ये ले लेता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने आप ब्रैकेट्स बंद हो चुकी हैं। खैर, तो ये फार्मूला आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और बढ़ते हैं आगे। अब फार्मूला हमने इसमें तो लगा दिया, अभी हमें को सब में लगाना है, तो हम यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। ओके क्लियर। तो यहाँ पर जो सामान जहाँ पर था वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका रेट आ चुका है, ठीक है। अब क्वांटिटी के लिए कोई फार्मूला नहीं है, क्वांटिटी आपको खुद भरनी पड़ेगी। क्वांटिटी भरने के लिए आप रैंडमली यहाँ से कुछ भरते जाना पीसेस के हिसाब से। ओके तो इस तरह से पूरी क्वांटिटी फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़ को फिल कर लिया है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर टोटल करना है कि टोटल कितना प्राइस हो गया। जैसे कि प्राइस अभी लैपटॉप का हमने माना है 35,000 और क्वांटिटी है 6, ठीक है। तो 6 क्वांटिटी में अपने 35,000 के हिसाब से बेचा, तो ये टोटल कितना हो गया। तो एक सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला आपको लगाना है। आप कोई भी सामान जब ख़रीदते हैं तो उसको उसके क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी फार्मूला या कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आपको इक्वल साइन लिखना बहुत ज़रूरी है। इक्वल साइन लिखिए एंड यहाँ पर 35,000 लिखकर मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए और 6 लिखिए। तो ये तो हो गया, कैलकुलेशन सही आया। बट क्या हो अगर यहाँ पर हम 6 की जगह 8 कर दें, तब तो कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आया। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसे स्टैटिक नहीं बनाते। स्टैटिक का मतलब हुआ कि आपने डेटा दे दिया, डेटा मत दीजिए आप यहाँ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ सेल एड्रेस प्रोवाइड करिए। सेल एड्रेस का मतलब हुआ ये प्राइस वाला सेल एड्रेस आपने दे दिया एंड मल्टीप्लाई करके आपने क्वांटिटी का सेल एड्रेस दे देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप कोई भी एडिटिंग करते हैं, लाइक आपने यहाँ पर 6 की जगह 7 कर दिया, तो आप देखेंगे कि टोटल में भी वैल्यू चेंज हो गई। तो इस वजह से आपको कभी भी फॉर्मूले में सेल एड्रेस का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके उसके बाद अब क्या करना है, हमें इसे ड्रैग कर देना है। अच्छा, ड्रैग की जगह अगर आप दो बार क्लिक कर दो तो भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप दो तीन बार चीज़ों को ड्रैग कर चुके हैं। तो एक दो बार जब चीज़ों को ड्रैग कर लिए होते हैं तो आप यहाँ ड्रैग की जगह दो बार क्लिक भी कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर का चिन्ह आएगा। ओके क्लियर।
तो ये चीज़ तो हमने जान ली कि डेटा कैसे तैयार करना है। डेटा मैंने बताया कि हम लगभग हर दिन तैयार कर रहे हैं। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसके अंदर कोई एक हल्का सा कलर डालता हूँ, फॉर्मेटिंग लाइक ये चलेगा। एंड लिखने का स्टाइल भी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चेंज करना है इसका। ओके दिस इज़ गुड, प्रीटी गुड, सॉरी। ओके तो चलिए, मैंने तो यहाँ पे इसको कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, ये डेटा तैयार करने वाला पोर्शन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि डेटा कैसे तैयार करना है। अब जब डेटा तैयार हो जाए तो डेटा को तैयार करने के बाद आपको थोड़ा सा और काम करना है जो कि ज़रूरी है। जैसे मान लो कि ये अब आपको दे दिया गया डेटा और आपसे अब पूछा जाए कि भाई ये बताओ सिटी के अंदर सॉरी कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जिनमें लैपटॉप बेचा गया है, तो आप क्या करोगे? मतलब कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं उनका लिस्ट दिखाओ जिनमें लैपटॉप बेचा गया है। इसका मतलब आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप लैपटॉप का रिपोर्ट बताओ, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसके हेडिंग पे सेलेक्ट करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर फ़िल्टर लगा देना है। फ़िल्टर आ गया। अब फ़िल्टर आने के बाद आपको डिमांड क्या की गई है, लैपटॉप की, तो बस यहाँ से सेलेक्ट ऑल की जगह लैपटॉप चुन लीजिए। अब आप देखिए कि लैपटॉप यहाँ पर कहाँ केवल लैपटॉप का आपको रिकॉर्ड मिल रहा होगा, जितना जगह लैपटॉप बिका है उसका रिपोर्ट मिल रहा है। ओके, अब पूछा जा रहा है कि ठीक है ये तो हो गया, ये बताओ कि ये केवल हाजीपुर और पटना में ही बिका है। ओके कोई नहीं, ये बताओ कि पटना में कितना है, तो आपको क्या करना है, सिटी में जाना है, पटना ले लेना है, ओके कर देना है। तो आप देखो पटना में ये रहा। अब पूछा जा रहा है कितनी क्वांटिटीज़ बिकी हैं या ख़रीदी गई हैं, कितनी क्वांटिटीज़ है, तो आप इनकी क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल सम कितना दिखा रहा है, 22। यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना कितना दिखा रहा है, तो यहाँ पर 22 दिखा रहा है। आप इसको जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा। अब पूछा जाए कि नहीं नहीं कितने का बेचा जा रहा है, कितने का हुआ टोटल, तो आप इसको जोड़ लो, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है। आई होप इट्स क्लियर। चलो, तो फ़िल्टर तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िल्टर कैसे लगाना है और कैसे हटाना है, ठीक है? अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ और डिमांड की जा सकती है कि नहीं नहीं पूरे का रिपोर्ट बताओ सबका, तो सब में तो फ़िल्टर लगाना पॉसिबल नहीं है। तब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पाइवोट टेबल का, यानी जब हमें एक बड़े से टेबल का रिपोर्ट तैयार करना होता है तब हम पाइवोट टेबल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? पाइवोट टेबल का प्रयोग कब करेंगे, जब इतने बड़े टेबल में इतने बड़े डेटा का हमें एक रिपोर्ट तैयार करना है। डेटा हालांकि बहुत बड़ा बड़ा होता है तो हम एक रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। ओके, और रिपोर्ट तैयार कहाँ करेंगे, हम इसी शीट पे कर सकते हैं, यहाँ साइड में, यहाँ साइड में जगह है, यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाएंगे कि कितना सामान किस सिटी में कितने के हिसाब से बिका है और कितना क्वांटिटी में बिका है। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। डेटा को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको चले जाना है पाइवोट टेबल में। यहाँ से आप इंसर्ट टैब में देखो, पाइवोट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, पाइवोट टेबल में चले जाना है। अब पाइवोट टेबल में जाने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस पूछी जाएंगी, वो आपको पढ़ना है। लिखा है सेलेक्ट टेबल और रेंज, आप किसी टेबल या किसी रेंज को कर लीजिए। तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके थे तो हमारा यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि चूज़ वेयर यू वॉन्ट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, वह जगह चुनिए जहाँ पर आपके पाइवोट टेबल का रिपोर्ट आएगा। मैंने क्या कहा कि यहीं पर लेना है, तो उसके लिए दो ऑप्शन दिए हैं, न्यू वर्क सीट, इसका मतलब है कि इस सीट पर नहीं, एक दूसरे वर्कशीट पर बनेगा, ठीक है? और यहाँ लिखा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी इसी वर्कशीट पर बनेगा। तो हमने चुना एग्जिस्टिंग वर्कशीट कि इसी वर्कशीट पर बनाना है। तो पूछ रहे लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन आप यहाँ से डाल दो कि यहाँ बनाना है, ओके कर दो। क्लियर? अब देखिए ध्यान से कि पाइवोट टेबल के लिए यहाँ पर आ गया कि यहीं पर पाइवोट टेबल का रिपोर्ट आएगा। किस चीज़ के अकॉर्डिंग बनाना है वो देखते हैं। यहाँ पाइवोट के फील्ड आ रहे हैं, अब इसमें से सिटी चुनो। तो जितनी भी सिटीज़ हमने डाली थी ना, वो एक जगह क्या हो गई, कैटेगराइज हो गई, एक जगह आ गई। यानी अगर आपने छपरा को 10 बार डाला था तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ एक ही बार आएगा। हाजीपुर अगर 15 बार डाला है तो वो एक ही बार आएगा। तो इस तरह से ये सारी सिटीज़ एक जगह अरेंज हो गई। देन उसके बाद आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब किस सिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स गए हैं वो बता रहा है। जैसे छपरा में बता रहा है कि सीपीयू गया है, हार्ड डिस्क गया है और माउस गया है।
हाजीपुर में बता रहा है कि कीबोर्ड लैपटॉप और रैम गया है, उसी तरह से पटना में बता रहा है कीबोर्ड लैपटॉप और रैम है, सिवान में बता रहा है सीपीयू हार्ड डिस्क और माउस है। ठीक है, तो इस तरह से ये बता रहा है। अब इसके बाद में हमें जोड़ना है कि ठीक है क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी बताइए। तो हमने क्वांटिटी बता दी, प्राइस को छोड़ देना, प्राइस को अगर डालने का मन है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ देना। तो जैसे ही हमने क्वांटिटी पे क्लिक किया तो इसने जोड़ के बता दिया कि छपरा में देखो टोटल 65 पीस क्वांटिटी गई है। क्या क्या गए हैं? सीपीयू 18, हार्ड डिस्क 24 और माउस 23 पीस। अब ये अलग अलग जगहों से, क्योंकि ये एक जगह कैटेगराइज कर देता है, तो अलग अलग जगह आपने बेचा होगा, एक जगह तो 23 बेचा नहीं है माउस को, उसको हम एनालाइज करेंगे। चलो उसके बाद टोटल कितने का है, तो यहाँ टोटल हो गया। अब ये पाइवट टेबल का काम हमें ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको छोटा कर देते हैं, ये जो -16 बटन है इस पर क्लिक करके आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो ये पाइवट टेबल क्या कर रहा है कि आपको एक ही बार में पूरा रिपोर्ट दे दे रहा है, आपके इतने बड़े डेटा रेंज का, इतने बड़े डेटा रेंज का रिपोर्ट आपको एक जगह मिल जा रहा है। किसकी मदद से? पाइवट टेबल की मदद से। अब कैसे एनालाइज़ करेंगे? जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है छपरा में टोटल कितना पीस सामान बिका है, छपरा में 65 पीस, ओके 65 पीस है। ठीक है, टोटल कितने का है? 5,66,050 रुपये का। तो यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल ऊपर मिल जा रहा है। अब डिटेल में अगर जानना होगा तो आप इस प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सीपीयू 18, हार्ड डिस्क 24 और माउस 23 है। कोई नहीं, हम इसको करके देखते हैं, फ़िल्टर करते हैं क्या है छपरा का। तो छपरा में यहाँ पर टोटल सामान कितना है एक बार करके देख लेते हैं, सेलेक्ट, ओके गुड, यहाँ पे 35 बता रहा है, 65 बता रहा है, क्लियर है, सही है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें बता रहा था, पहले इसका फ़िल्टर हटाते हैं तब ये दिखेगा। और क्या बता रहा था कि सीपीयू 18 है, हार्ड डिस्क 24 है और माउस 23 है। ठीक है, तो हमने पहले तो यहाँ से लगा लेना है फ़िल्टर छपरा के ऊपर, छपरा हो गया, फिर सीपीयू पे, सीपीयू कितना है क्वांटिटी 18, तो आ रहा है क्लियर। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। अच्छा, सीपीयू की जगह अगर आप यहाँ पर हार्ड डिस्क लेते हैं तो 24 आना चाहिए, 24 आ रहा है यहाँ पे। उसकी जगह आप कुछ और लेते हैं लाइक माउस लेते हैं तो 23 आना चाहिए, यहाँ देखो 23 ऐड होकर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पाइवट टेबल जो है हमारा फ़िल्टर का ही रिपोर्ट देता है, लेकिन एक अरेंज फॉर्म में देता है, एक सही तरीके से अरेंज करके एक टेबल बना कर देता है। तो मुझे लगता है कि आपका पाइवट टेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और किस तरह से पाइवट टेबल अरेंज करना है, बनाना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब देखते हैं थोड़ा सा पाइवट चार्ट क्या होता है। पाइवट चार्ट, जब हम इसी डेटा को एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वो पाइवट चार्ट कहलाएगा। अच्छा, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला वही प्रोसेस, सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है, पाइवट टेबल में जाना है और पाइवट चार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर वही डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, इसी वर्कशीट पे हमें चाहिए भैया लोकेशन, हम बता देते हैं यहाँ नीचे का लोकेशन बता देना, एंड ओके कर देना। फिर से वही सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, टोटल। तो जैसे ही हम करेंगे, अच्छा इसको टोटल निकाल दो, टोटल हटा दो, बस क्वांटिटी में कंपेयर करो। तो क्वांटिटी से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो बता रहा है कि कौन सा चीज़ का ज़्यादा डिमांड दिख रहा है और कहाँ पर दिख रहा है। जैसे छपरा में हार्ड डिस्क का डिमांड और माउस लगभग बराबर है, और हाजीपुर में अगर बात करें तो कीबोर्ड, लैपटॉप और रैम है। इसी तरह से सब अलग अलग स्टेट का यहाँ दे रखा है। अच्छा, इसका अगर रिपोर्ट आपको व्यू चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। कलर्स वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टाइल चेंज करना है यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आपको चार्ट मिल रहा है। अच्छा, मान के चलो कि हमें प्राइस देखना है, टोटल टोटल देखना है, तो बस टोटल पे क्लिक करो तो ये टोटल बता देगा। अब टोटल में ज़्यादा डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, कारण क्या है कि कोई सामान ज़्यादा का है, कोई सामान कम का है, इसलिए ज़्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है। और क्वांटिटी में आपको लगभग बहुत कम डिफरेंसेस दिखेगा क्योंकि आसपास में ही है सब, क्लियर। तो 25 या 30 के आसपास में सब है इसलिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया कि पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट क्या होता है और कैसे इसका यूज़ आपको एक्सेल में करना चाहिए। ठीक है, तो ओके।
एक बार मैं इसे अरेंज कर दूँ। चलिए, तो आज मैंने आपको डे फाइव में क्या बताया कि ऐसा एक टेबल किस तरीके से बनाते हैं। हालांकि मैंने इस टेबल में एक फार्मूले का प्रयोग किया है, वो फार्मूला आप लिख लेना, याद कर जाना, समझना बहुत ज़रूरी है फार्मूले को कि कैसे ये काम कर रहा है फार्मूला, ठीक है। उसके बाद में मैंने पाइवोट टेबल बनाना बताया, आपको फिल्टर करके भी दिखाया कि पाइवोट टेबल जो रिपोर्ट दे रहा है वो रिपोर्ट सही है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से एक पाइवोट टेबल बनाना भी आपने सीख लिया। फिर यहाँ पर देखो, पाइवोट टेबल के साथ साथ उसका चार्ट भी बनकर आया, यानी सेम पाइवोट टेबल आपको नीचे भी देखने को मिलता है, लेकिन कब, जब आप चार्ट तैयार करते हैं तब। तो जब आप चार्ट बनाएंगे तो उस समय पाइवोट टेबल और चार्ट दोनों दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, तो क्लियर है, आई थिंक कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब अगली वीडियो क्या होगी ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक मैंने आपको जितना करा दिया है, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे हो जहाँ से हो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैंने बताया एज़ इट इज़ प्रैक्टिस करिए, अपने से कुछ ऐड ऑन मत कीजिए अभी। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हैं इसके अंदर कुछ ऐड, तो आप ऑफकोर्स करिए, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एकदम बिगिनर हो एक्सेल में, तो आपको मैंने जितना बताया केवल उतना ही आप करिए, इसके अलावा आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लगभग होम टैब के सारे ऑप्शंस हो चुके थे, अब बाकी के ऑप्शंस बच रहे हैं, वो ऑप्शन मैं धीरे धीरे आपको क्लियर कराते चलूँगा बीच बीच में। ओके, तो आज का जो था वो था पाइवोट टेबल, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किस तरह का डेटा इसके लिए चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझा दिया है। ओके, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।